Demand justice. All power to Jharkhand. Jari rakho. All power to Jharkhand. Band karo. All power to Jharkhand. Band karo. All power to Jharkhand. Band karo. Free. Save CBM. Free. Save CBM. Free. एलओसी ट्रेड के भाइयों को सपोर्ट करने आए हैं, जो गवर्नमेंट ने एलओसी ट्रेड को सस्पेंशन का ऑर्डर निकाला है। हमारे हिसाब से ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि ये 11 साल से एक ट्रेड चल रहा है और हजारों लोग इसके साथ इन्वॉल्व हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरी बात है कि अगर कहीं कोई लूपहोल है, कहीं कोई अब्यूज हो रहा है या मिसयूज हो रहा है सिस्टम का, वो गवर्नमेंट का काम है देखना। मैकेनिज्म एसओपी 11 साल से क्यों नहीं बने, वो डिले क्यों हो रहे हैं? अगर स्कैनर की डिमांड 2015 में भी जब मुफ्ती साहब आए थे तब भी उन्होंने फरमाया था कि एक तो सबसे टॉप प्रायोरिटी बैंकिंग को दी जाएगी और कम्युनिकेशंस को दी जाएगी, वो क्यों नहीं हो रहा? और गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि इसके बेनिफिशरीज कौन है, अगर कहीं मैनिपुलेशन हुई है उसके बेनिफिशरीज कौन कौन है उनको आइडेंटिफाई करें, ना कि जेन्युइन जो एलओसी ट्रेडर्स हैं जो कि सब एक एक रजिस्टर्ड है, पूरा एक फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया है। बार बार इवन लास्ट ईयर इनकी फिर से रीवेरिफिकेशन होती है, ऐसा नहीं है कि कोई भी उठ के एलओसी ट्रेड में जाता है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ट्रेड सस्पेंड ना किया जाए, क्योंकि इनके इस वक्त जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, जो माल है 700-800 करोड़ का ट्रेड हो रहा है सालाना, इसके लिए इनके स्टॉक्स हैं, ट्रेडिंग्स हैं, अकाउंट्स की सेटलमेंट्स होती है, एब्रप्टली इसको बंद करने से बहुत तबाही हो जाएगी ट्रेडर्स की। शुक्रिया। हम कम्युनिटी से यहाँ पे जो हम लोग जमा हुए हैं, हम आपके वसात मीडिया के वसात से उन तक अपनी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि ये क्रॉसोलॉजी ट्रेड के ऊपर जो आपने सस्पेंशन का ऑर्डर जो आपने थमा दिया, इस पर नजरसानी करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं हम लोग हमारे साथ लाखों लोग जुड़े हैं। हमारा जो बॉर्डर है वो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, उसमें हमारी जो लाइबिलिटीज है बहुत सारी, हमारा जो माल है वो पड़ा हुआ है, तो उस हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। तो इस ट्रेड को नए हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एमएचए की तरफ से जो ऑर्डर है, जिसमें उन्होंने तीन पार्ट जो रखे हैं, एक तो फुल प्रूफ मैकेनिज्म और दूसरा सेकंड बोनोफाइड ट्रेडर, उसकी हम भरपूर हमायत करते हैं अपने ट्रेडरों से, जितने भी मेरी ट्रेडर है, चाहे पुनीत से, रावलापुर, मैं दोनों से की आवाज़ है, हमारी आवाज़ भी, एज ए चेयरमैन मैं दोनों काउंटीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं अपने एमएचए से कहना चाहता हूँ कि कम से कम वो अपने फैसले पे नजरसानी करें, क्योंकि कल को जब ये मैकेनिज्म बनेगा तब उसके बाद भी हमें ये ट्रेड करना है, तब उसके लिए आपने हमें सेहतमंद रखना है, फाइनेंशियली सेहतमंद रखना है, ताकि जब कल ट्रेड खुलेगा मैकेनिज्म बनने के बाद, उसके बाद हम लोगों ने ये ट्रेड करना है। तो अगर ट्रेड नहीं खुलता, कम से कम एक पीरियड दिया जाए, जो बॉर्डर्स की लाइबिलिटीज है उसको पूरा किया जाए, जो अकाउंट्स है उनको जीरो किया जाए।